अंजुम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं बड़ी मज़ेदार सी आलू और क्रीमी की पैटीज। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत झटपट बन जाती है और सिंपल से दाल चावल भी हो तो बहुत मज़ा देती है ये आलू और क्रीमी की पैटीज। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमने सुबह ही सुबह जैसे नाश्ता हुआ तो यहाँ पे हमने आलू को उबाल लिया, कुकर में डाला हमने, इसे 2 से 3 सीटी दे दिया और उसके बाद खुद ही इसके प्रेशर को रिलीज होने दिया और हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से यहाँ पे गल गए हैं और हमने इसे तोड़ लिया। अब हमें इसे मैश करना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए पहले इसे साइड में रख देते हैं और जल्दी से बनाएंगे कीमा, ताकि कीमा जो है वो ठंडा हो जाए क्योंकि हमें इन आलू में उसे भरना है। तो इन आलू को कर देते हैं साइड और ले आते हैं कीमे को। यहाँ दोस्तों हमने ले लिया है 1/2 किलो के करीब मटन का कीमा, इसे हमने 2-3 पानी से धो लिया पहले और धो के हमने थोड़ा सा इसे ड्रेन होने के लिए रख दिया और अब जल्दी से पहले इसे बघार देंगे ताकि ये जो कीमा है ठंडा हो जाए क्योंकि बाद में इसे हमें आलू के अंदर भरना है। तो यहाँ पर जल्दी से हमने गैस को ऑन कर दिया है, प्यारे से फ्राई पैन को हमने यहाँ रख दिया है। अब जल्दी से इसमें डाल देते हैं ऑयल, ऑयल जितना आपका कीमा है उसके मुताबिक डालिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है क्योंकि ये जो कीमा बनेगा थोड़ा सा सूखा सूखा सा बनेगा क्योंकि इन्हें हमें पोटैटो के अंदर डालना है। यहाँ पे देखिए हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें जल्दी से हम डाल देते हैं प्याज, इस तरीके से चॉप करा के हम अक्सर रख लेते हैं ताकि काम जल्दी जल्दी से हो बिस्मिल्लाह। तो हमने यहाँ पे चॉप की प्याज डाल दिया, अंदाजन ये 2 मीडियम साइज की प्याज होंगी, थोड़ा सा ऐसे चला देते हैं। इसी वक्त चॉप की हुई थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दीजिए, आपके टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, 3-4 जितना भी डालना है। हम थोड़ा सा चटपटा बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे डाल दिया 5-6 होंगी शायद ये चॉप की हुई है हरी मिर्च, इससे भी बड़ी प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। आप जिस वक्त नॉन स्टिक में खाना बनाएं तो कभी भी इस तरह से मेटल का चमचा इस्तेमाल मत करिएगा, हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हम ऊपर ऊपर ही कर रहे हैं, हम टच होने नहीं दे रहे हैं बेस को, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। अगर कभी ऐसा हो आपको जल्दी जल्दी से पकाना और आपके हाथ में नॉन स्टिक का चमचा नहीं आया है तो फिर ऊपर ऊपर ही करिएगा, उसके तले में लगने मत दीजिएगा, नहीं तो फिर स्क्रैच हो जाएगा, आपका नॉन स्टिक जो है वो खराब हो जाएगा। ये हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं जल्दी से अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून के करीब। चलिए अब इसे अच्छे से पका लेते हैं, बहुत ज्यादा देर आपको नहीं पकाना है क्योंकि ये जो चीजें होती हैं पैटीज हुई कबाब हुई, इसमें जो एक पावरफुल एक तेज सी जो अदरक लहसुन की खुशबू आती है वही जायका देती है, वही मजा देती है। तो बस अदरक लहसुन डाल के 1-2 हाथ चला लिया, अब हम इसमें डाल देंगे कीमा, तो ये सारा कीमा हमने इसमें डाल दिया है। चलिए अब इसे अच्छे से पका लेते हैं पहले, जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए, और इसमें साथ में ही नमक डाल देंगे ताकि जो इसके जूस है वो भी रिलीज हो और उसी में कीमा थोड़ा सा पक जाए और फिर फीका भी ना लगे। तो इसे एक बार अच्छे से चला दिया और चलाने के बाद चलिए डाल देते हैं नमक। तो इसमें हम डाल रहे हैं अभी 1 टीस्पून के करीब नमक, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा जो गोश्त होता है ये थोड़ा सा नमकीन होता है तो आप हमेशा जो नमक है थोड़ा देख कर ही डालें। तो ये इसमें चला गया, इसे अच्छे से पहले पकने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज हो गया कीमे का और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है यहाँ पे इस वक्त अदरक लहसुन की, कीमे की और जो प्याज है उसकी। तो अब थोड़ा सा पानी बाकी है तो इसी वक्त हम डाल देंगे सूखे मसाले, और एकदम बारीक सा कीमा है ये, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेगा गलने में ये। तो चलिए सबसे पहले इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून के करीब। हल्दी के बाद इसमें चली जाएगी मिर्ची, मिर्ची आप हसबे जायका डालिए, हम चटपटा बना रहे हैं तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 टीस्पून के करीब। उसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं जो कि थोड़ा सा कम डालेगा, 1 टीस्पून के करीब, सिर्फ खुशबू के लिए। और साथ ही में हम इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला, घर का पिसा हुआ है, बहुत शानदार खुशबू वाला है, 1 टीस्पून के करीब।
सारी चीज़ें चली गई इसमें। थोड़ा सा जायका बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये पैटीज़ है, बहुत से लोग इसे रूखा भी खाएंगे, बहुत से इसे रोटी से भी खाएंगे, बहुत से इसे चावल के साथ भी खाएंगे, तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून के करीब अजीनोमोटो, जिसे टेस्टिंग नमक भी कहा जाता है, टेस्टिंग सॉल्ट भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल भी थोड़ा सा हमने डाल दिया, ये ज़रूर डालिएगा, इससे जायका बहुत अच्छा आ जाएगा। अब चलिए इसे अच्छे से भून लेते हैं। सारे मसाले जो हैं एक जान हो जाए इस तरीके से, आप इसे दबा दबा के भून लीजिए, ताकि ये फ्राई हो जाएगा, अपने जूस में पकेगा और उसके बाद ये फ्राई हो जाएगा और बहुत लजीज लगेगा। जहाँ तक हो सके इसे फ्राई करना है आपको, जो कीमा है बिल्कुल बारीक लीजिएगा, अगर मोटा कीमा है तो फिर आपको थोड़ा सा पानी डाल के इसे गलाना होगा। हमें नहीं लगता कि हमें गलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कीमा है बहुत बारीक है, मशीन से निकाला हुआ है, और हमने बुचर से ये कहा था कि आप 2 बार डालिएगा मशीन में ताकि बारीक हो जाए। तो इसे अच्छे से यहाँ पकने देते हैं, नमक थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बहुत शानदार, अच्छे से पकने देते हैं इसे कम से कम 5-6 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हो चुका है, बहुत अच्छे से भुन गया है ये, हमने गैस को बंद कर दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी मज़ा देने वाली चीज़ें ऊपर से डलेंगी, हम आपको बता रहे हैं इसलिए हम अभी डाल रहे हैं। वैसे जब आप अपने घर में बनाएं तो इसे ठंडा होने दीजिए, अगर आप गरम गरम में डालेंगे तो जो प्याज है वो मैं पानी छोड़ देती है, लेकिन हम अभी डाल रहे हैं ये हरी मिर्च डाल रहे हैं हम, अच्छा चटपटा सा बनाने के लिए। साथ में हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया, ये हरा धनिया चला गया, और इसी में हम साथ में डाल रहे हैं थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज, तो इससे बहुत अच्छा सा मज़ा आता है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिला देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, और जब तक चलते हैं अपने आलूओं की तरफ, उनको बनाते हैं मज़ेदार सा जब तक। तो ये बिल्कुल भी तैयार है, इसे छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। आप चाहें तो इसे दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो फ्राई पैन है ये अभी गर्म है तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो आप चाहें तो दूसरे बर्तन में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लीजिए, हमने आलूओं को ले लिया है, और इस तरीके का जो मैशर है, अगर आपके पास ये हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं है तो भी आप इसे किसी चमचे से या किसी भी चीज़ से आप अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो सारे आलूओं को हमने भी ठंडा कर लिया था, क्योंकि सख्त होना आलू का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बस अब इसी से हम लेंगे और इसे हम मैश कर लेंगे। तो चलिए हम इसे मैश करके ले आते हैं। तो ये लीजिए जनाब, हमने जो आलू थे उन्हें अच्छे से मैश कर लिया, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, ये बहुत अच्छे से ये हो गए मैश, क्योंकि ये जितने अच्छे से मैश करेंगे आप, तो आपकी जो पैटीज़ हैं आलू और कीमे की जो पैटीज़ हैं जो भर के बनाने वाले हैं, ये टूटेगी नहीं। आप इसे काफ़ी देर तक इस तरीके से मसलते रहिए, उससे क्या होता है ये जो आलू होता है थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाता है और फिर ये टूटता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब इसमें डाल देते हैं कुछ चीज़ें ऐसी जो जायके को आलू के बढ़ा दें, और हमें जो आलू है वो बिल्कुल भी फीका ना लगे। तो सबसे पहले इसमें डालते हैं ज़ीरा, हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा। तो ये ज़ीरा चला गया इसमें, इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, आप चाहें तो डालें, आप ना चाहें तो ना डालें, क्योंकि हमारे यहाँ हरी मिर्च का जो जायका है वो बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए हम डाल रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया, और अब डालेंगे इसे सबसे मेन चीज जो कि है नमक, आलू के मुताबिक डालिए, हम 1 टीस्पून के करीब डाल रहे हैं। ये सारी चीजें इसमें चली गई। चलिए अब इसे खूब अच्छे से आप हाथ से मसल लीजिए, खूब अच्छे से आपको इसे मसलना है, ताकि जो भी मसाले डाले हैं वो सब अच्छे से मिल जाए। तो ये जो आलू हैं अच्छे से मैश हो गए हैं, चलिए इन्हें साइड में रख देते हैं, और हम ले लेते हैं एक बाउल जिसमें हम एक अंडे को फेंट लेते हैं, क्योंकि आपको अंडे में कवर करते ही इन पैटीज को तलना है ताकि ये फीका ना लगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए नमक और इसे अच्छे से फेंट लीजिए। तो चलिए ये भी हो गया। तो देखिए अब आपको बताते हैं कैसे बनाना है। हथेली लीजिए, हथेली में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, पानी लगा के उसमें आप काफ़ी सारा मैश किया हुआ आलू रख दीजिए, जो साइज़ है उस हिसाब से इसे फैला लीजिए,
अच्छे से फैला लीजिए इसे हाथ पर। अब इस पर डाल दीजिए आप कीमा, जो कीमा बना के रखा था, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो कीमा है वो ठंडा ही होना चाहिए। अब इसको आप सारे जो इसके किनारे हैं इसको ऊपर ले आइए और इसे चिपका दीजिए। देखिए सील हो गया ये। अब बस हाथ को पलटिए, थोड़ा सा पानी और लगाइए बराए नाम सा, और इसे शेप दे दीजिए। तो देखिए शानदार सी हमारी पैटी बिल्कुल भी तैयार हो गई है। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे आपको डिप करना है अंडे में और तलना है। इसी तरीके से हम सारी पैटीज बना लेंगे और फिर हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरी जो पोटैटो और कीमे की पैटीज थी वो हमने बना लिया है। और इस वक्त आप क्या करिए, हमेशा बनाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। उससे क्या होता है, ये सख्त हो जाती हैं और हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन हमारे पास अभी वक्त नहीं है, इसलिए हम इसे जल्दी से इसी वक्त बना रहे हैं और उसका भी आपको तरीका बताते हैं कि आप बहुत ईजिली इसे कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्राई पैन में तेल डाल दिया है और हमारा तेल जो है वो गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमने अपनी पैटी को हाथ में ले लिया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आप इसे फ्रिज में रख दें तो ये काफ़ी सख्त हो जाती है और आपको हैंडल करना बहुत आसान होता है। लेकिन ये बिल्कुल अभी नरम है, इसलिए हम हाथ से ही इस पर अंडा लगा दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसे डिप करेंगे अंडे में तो ये टूट जाएंगी। लेकिन आप इसे फ्रिज में जब रखते हैं, जब आप इजीली इसके अंदर डिप करके निकाल सकते हैं, इस तरीके से जो अंडा फेटा था उसमें डिप कर सकते हैं। तो हम बस हाथ से लगा दे रहे हैं इसके ऊपर, आप कोई भी ब्रश वगैरह से लगा दें इसे। तो चलिए तेल गर्म हो चुका है, डाल देते हैं बिस्मिल्लाह। बस इसी तरीके से हम और भी जो दूसरी है उनको भी डाल देंगे। थोड़ी देर तक उसे इसी तरीके से तलने दीजिए ताकि जो उसका एक साइड है वो थोड़ा सा सख्त हो जाए, नहीं तो आप एकदम से पलट देंगे तो ये टूट सकती हैं। इसे थोड़ा रुक जाइए, जब अच्छे से एक साइड का तल जाएगा उसके बाद इसे आप पलटिएगा। एक साइड से अच्छे से कलर आ चुका है, बहुत एहतियात के साथ आप इसे पलट दीजिएगा और अच्छे से इसे पकने दीजिए जब तक दोनों तरफ से अच्छे से कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, बड़ी एहतियात के साथ इसे पलट दीजिए और इस साइड से भी अच्छे से इसमें कलर आने दीजिए। तो हमारी आलू और कीमे की पैटीज हो जाएंगी तैयार। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी जो पैटीज हैं गर्मा गर्म तैयार हो गई हैं, बहुत ही लजीज बहुत मज़ेदार भी बनके तैयार हुई हैं। तो बस इसे हम गर्मा गर्म बच्चों को सर्व करने वाले हैं टमाटो सॉस के साथ। थोड़ी देर तक हमने गैस को बिल्कुल भी सिम कर दिया है और इन्हें पकने दे रहे हैं। थोड़े से जो फ्राई पैन है उसके साइड से हमने इनारत कर दिया है ताकि जो तेल है वो बाजू में निकल जाए और ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से बहुत लजीज लगती हैं और बच्चे तो आज खुश हो जाएंगे। तो ये जब बन जाती है तो हम आपको इसे कट करके भी बताते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आपको यहाँ पे हेलो टेस्टिंग हेलो भी करके दिखा देते हैं कि कितने लजीज बने हैं हमारे कबाब। बहुत मज़ेदार बने हैं और बिल्कुल मुँह में घुल जा रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूर बनाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो फिर मिलते हैं मज़ेदार सी झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और दुआ में मुझे याद रखिए। खुदा हाफिज़।